protection. तुम और तुम्हारे भगवान, क्या लगता है तुम्हें कि तुम लोग बड़े महान हो? ऋषि कश्यप समुद्र मंथन के समय निर्णय लिया गया था कि बारी बारी से मंथन से निकले उपहार असुरों और देवताओं में समान रूप में बांटे जाएंगे। जब अमृत निकला तो हमारी बारी थी, असुरों की बारी थी ऋषि कश्यप। तब क्या किया नारायण ने? छल से हमारा अमृत उन देवताओं में बांट दिया। तब क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। परंतु अब जब तुम्हारा ईश्वर भक्त पुत्र पिता बना है तो हर्ष मना रहे हो। जितना प्रसन्न होना है हो जाओ, परंतु मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे उस देवी पुत्र को तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। जाओ और जाकर कह दो उसे कि उसके पास केवल दो मार्ग शेष हैं, या तो उन देवताओं को भूल कर यहां असुरों की शरण में आ जाए, या फिर मृत्यु स्वीकार कर ले। क्योंकि इस ब्रह्मांड में अब केवल मेरा ही राज होगा, हिरण्यकश्यप का राज। स्मरण रखना ये बात है।